आपने फरमाया आज सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इन अव्वल मा नतमीउ मिना, आज हम अपने इस दिन की इब्तिदा इस तरह करेंगे, शुरुआत इस तरह करेंगे, अन मुसल्लिया, सबसे पहले नमाज़ें तो करना है, अन मुसल्लिया, फिर फुमनाजिया, फिर लौटेंगे, फनन हरा, लौटने के बाद हम कुर्बानी करेंगे। अगर इस हदीसे पाक को सूरे कौसर की दूसरी आयत करीमा को तफसीर मान लिया जाए तो तरतीब इस तरह होगी कि नमाज पहले है कुर्बानी बाद में, उल्टा नहीं, पहले कुर्बानी के बाद में नमाज पढ़े। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि पहले नमाजें दो गाना अदा कर ले, फिर पलटे, सुम्मा नरजिया फनन खा, नमाज के बाद हम कुर्बानी करें। फमन फाला, जो ऐसा करे, फकत असाम सुन्नत ना, तो उसने हमारी सुन्नत पाली। पता ये चला कि कुर्बानी फर्ज नहीं है, सुन्नत है, बस असाम सुन्नत, कुर्बानी फर्ज नहीं है, सुन्नत है। अच्छा, सबसे ज्यादा शरीयत किन्होंने समझा? सहाबा ने ना, जिनको हम सलफ कहते हैं, और सलफ में सबसे आला मकाम पर सहाबा है। तो हम हर मसले को फहमे सहाबा की रोशनी में देखेंगे, उनका क्या ख्याल है। आइए एक हदीस देखते हैं, हदीस इस तरह, वान अबी वाइन कॉल قال ابو مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه اني لاتول الاضحى واني لموسر مخافه عيا جيراني انه ختم علي رواه الترزاق في مسنده حضرت امام عبد الرزاق اپنی مسند عبد الرزاق کے اندر یہ روایت پوری کی پوری ایسے ہی لائے حضرت ابو علی فرماتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں कि मैं कभी कभी किसी साल कुर्बानी छोड़ देता हूं, वही लगातार अबहा, मैं कभी कभी किसी साल कुर्बानी नहीं करता हूं, वही लघु सिर, हालांकि मैं साहब इस्तेदात होता हूं, मेरे पास पैसे होते हैं, मेरे अंदर इस्तेदात होती है कि मैं कुर्बानी करूं, लेकिन इसके बावजूद, इस्तेदात रहने के बावजूद भी मैं कभी कभी कुर्बानी छोड़ देता हूं, وَإِنِّي لَأَتَوُ الْأَضْحَى وَإِنِّي لَمُسِرُ صاحبِ استطاعت موسیٰ مانے مان لائے پیسہ والا پیسہ ہونے وال کے باوجود میں قربانی اسی سال چھوڑ دیتا ہوں کیوں مَخَافَتَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں اَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّا کی قربانی کرنا حتم ہی ہے قربانی کرنا واجب ہے گویا فہمِ صحابہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے یہ بات ثابت ہوگی بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے اور ان کے پاس دو حدیث ہیں آئیے چلیے واجب کہنے والے جو دو حدیثیں پیش کرتے ہیں जरा उनकी उन दो पेश करता हदीसों का जरा एग्जामिन कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहली हदीस जिसको वो इस्तिदलाल करते हैं कुर्बानी के वजूद पर, हदीस इस तरह, ये उनकी दलील है, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال من كان له ساعت ولم يرح فليقربن مصلانا رواه ماجه في كتاب النواحي حضرت امام ابن ماجه قریب نہ آئے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا واجب ہے اور عجیب بات تو یہ کہ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے لیکن دو بات ہے ایک تو میں علامہ البانی کی اس تحسین کے اوپر مطمئن نہیں ہوں یہ حدیث حسن نہیں ہے غالباً حضرت علامہ البانی کو اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگانے میں خوب بڑی غلطی ہوئی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے علامہ البانی اس کی تحسین میں غلطی کر چکے ہیں پر حقیقت اس حدیث کی شرح میں عبداللہ بن عیاش ہیں جو مشہور ہے اور تو
दूसरी कारण यह है कि यह इमारत बाजों कहते हैं कि मौकूफ है, बाजों कहते हैं कि मरफू है, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक नहीं है इस मरफू है या इस मौकूफ है। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न अय्याश की वजह से और रिवायत के मौकूफ और मरफू होने के इख्तलाफ पर यह सबूत कि ना मौकूफ साबित है मरफू साबित है यह हदीस काबिल इस्तेजाज नहीं है। और अल्लामा अल्बानी की तहसीन बिल्कुल सही है। पता यह चला कि हम अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अल्बानी के मुकल्लिद नहीं, लोग कहते हैं अल्लामा अल्बानी मुकल्लिद है, ये देखिए हमने उनकी तहसीन को गलत साबित किया है, तहसीन सही नहीं उनकी यानी सही है। लिहाजा इस हदीस से इहतियाज नहीं कर सकते। दूसरी हदीस जिससे कुर्बानी वजूद पर इस्तिदलाल किया जाता है, हदीस हदीस को पेश करते हैं लेकिन मैं बतौर दलील तो उस पर मैं नक्त कायम करूं उनके हदीस पर पेश करूं। हदीस हदीस इस तरह वान आमिर अबी रमला का कॉल अखबरना मिखरफ बिन सुलेम कॉल ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية رواه أبو داود في كتاب البحار حضرت إمام أبي داود اس حديث کو ایسے کتاب البحار کے اندر لائے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے خطبہ دیا عرفات میں کہا ہے सुन्नत है, ये हमारे नबी की सुन्नत है, ये हमारे नबी की सुन्नत है।
तो पहली चीज ये साबित हुई कि कुर्बानी वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। दूसरी बात ये साबित हुई कि सुन्नत ये वाजिब नहीं बल्कि ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और सुन्नत अभी को इब्राहिम अलैहि सलाम का मौजू है मंदर है। अब सुन्नत साबित हुई कि हमारे नबी की है तो सुन्नत मुअक्कदा है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा है ताकीदी सुन्नत है इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी हर साल कुर्बानी करने का एहतमाम फरमाया है। और नबी जब किसी ऐसे फेल पर मुआजबत करें ऐसे फेल पर मुदावमत करें जो वाजिब ना हो तो वो सुन्नत मुअक्कदा होती है। कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है करना चाहिए लेकिन कभी कभी छोड़ दिया जाए आदमी छोड़ सकता है छोड़ सकता है। जैसे वो सहाबी हजरत अबू बकर अंसारी कहते हैं कि इस्तेदाद रहने के बावजूद मैं कभी कभी छोड़ देता हूं। एक नुक्ता ये मालूम हुआ कि कभी कभी अगर सुन्नत मुअक्कदा छूट जाए तो उसका दोहराना अच्छा तो है लेकिन कभी कभी सुन्नत अगर छूट जाए तो उसको अगर ना आदमी दोहराए तो इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। ये मसला मुस्तखरज हुआ ये मसला मुस्तखरज हुआ तो सुन्नत मुअक्कदा छूट जाए और आदमी उसकी कदा ना करे तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। हाँ सुन्नत मुअक्कदा का मतलब यह है कि आदमी बराबर उसको ना छोड़ पाए कभी कभी छूट जाए तो उसको गुनाह नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा को सबसे छोड़ दूर है। इसी तरह नमाज में कुछ सुन्नतें हैं और कुछ वाजिबात हैं। वाजिबात अगर छूट जाए तो सजदे सहलाजिम और अगर वाजिब नहीं है तो न सजदे सहलाजिम है और ना नमाज का एयादा नमाज दोहराया नहीं जाए नमाज को दोहराया नहीं। जैसे हमारे जब नमाज दोबारा अदा की जाती है तो पहली रकात में सात तकबीर सवाई और दूसरी रकात में पांच तकबीर सवाई सात पांच बारह तकबीर सवाई से हमारी ईदैन की दोबारा नमाजें अदा की जाती है। अब इनमें अगर कोई आदमी पांच तकबीर के बजाय छह तकबीर बोले भूल से या पहले सात तकबीर बोल गया दूसरी रकात में उठा तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने लगा और पांचों तकबीर छूट गई तो क्या अब नमाजें दोबारा को लौटाया जाएगा सजदे सहव का काम नहीं नमाज दोहराई जाएगी ना सजदे सहव इसलिए कि ये पांच तकबीर तकबीर सवारी का सुन्नत है और सुन्नत के छूटने पर नमाज में सजदे सहव नहीं वाजिब छूटने पर सजदे सहव। अच्छा आप ऐसे पता लगाएंगे कि नमाज में ये चीज वाजिब है और ये चीज वाजिब नहीं है जान ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज के ऊपर अमल किया और फेल किया नहीं समझ में कहा वो करो और करने के बाद आपने उसको किया भी कर और फिर किया यानी अमर भी और फेल भी जैसे इर करो रुकू करो अमर है क्या हुक्म है उस सुजूद सजदा को अमर है और आपने रुकू किया भी और सजदा भी कर दिया अमर भी और फेल भी है। लिहाजा जिस रुकन के ऊपर जिस फेल के ऊपर अमर भी हो हुक्म भी हो फेल भी नहीं का मौजूद हो दैट्स कॉल्ड रुकन वाजिब वो छूट जाए सजदे सहव लाजिम समझा हुक्म भी हो और फेल भी मौजूद हो ये वाजिब के पहचानने का तरीका है। और आपको यदि इत्तेफाक से छूट जाए तो न सजदे सहव और ना नमाज का याद है इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुअक्कदा बराबर कोई रसूल नहीं छोड़ने बहुत बड़ा गुनहगार है। कभी कभी अगर छूट जाए तो उसके ऊपर ना तो सजदे सहव है और ना नमाज का याद है। ये बहुत ही बारीक और लतीफ मसाइल है जो मैंने इस हदीस पाक से मुस्तफा से बताया। तो कुर्बानी वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत सुन्नत किसकी है हमारे नबी की सुन्नत के ताकीदी है गैर ताकीदी सुन्नत के ताकीदी है सुन्नत है। अब आगे बढ़े एक गाय के अंदर कितने आदमी शरीक हो सकते हैं और एक ऊंट के अंदर कितने शरीक हो सकते हैं
البقره سبعه وفي الجزور عشره فهو تلميذ من قبل الحج حضرت امام تلميذ حديث باب وسيم كابو لنجا دارا بابي حضرت ابو لنجا باس حضرت ابو لنجا باس فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور عید کا دن آ گیا بقرعید کا فاقر ابحا تو ہم گائے میں ساتھ شریک ہوئے اور ان میں تذکری سے یہ حدیث سے ایک گائے میں سات آدمی اور ایک اونٹ کے اندر دس آدمی یہ ترمذی کی اس روایت سے ثابت ہوا جو میں نے پڑھ لیا ہے قربانی کتنے جانوروں کی ہے صرف ایک ایک سے زیادہ نہیں کھڑلے بات کر رہے ہیں ایک یا ہے دو یا ہے کریم یہ حدیث بات بارہ بھی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیدہ آرہا ہے دہیہ اشترا كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موزونين ایسے لوگوں کے لیے نبی نے قربانی کی ہے اس لیے کہ بدعتیوں کے لیے اور خیر
फलहीन क्या बोलते हैं, कुछ पूरा करना बाकी रह गया, अभी बलाग नहीं हुआ है, जिन्होंने गवाही दी कि शरीयत पूरी की पूरी नबी ने उम्मत तक पहुंचा दी है। अब कोई दावा करे कि फला पीर साहब के बजाय फला इमाम साहब के बजाय बड़ा हुआ ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए कुर्बानी नहीं है। पहले के लोगों का वहमा, बाद में के लोगों का वहमा, होते होते एक इमान शहीद है ना, भाई कुछ समझ रहे हो नहीं, समझ रहे हो भाई, क्या बोलो इमान शहीद है ना, तो ही ये तो एक चुका हुआ शहीद है लोग बना, और जिसने गवाही दी नबी ने पूरा पूरा पहुंचा दिया। अगर इसके खिलाफ हुआ तो उनके लिए नबी ने कुर्बानी की, समझ में आ गया ना। ये तो एक कुर्बानी को अपनी उम्मत के मुवहिदीन की तरफ से आपने किया और सुन्नत पर अमल करने वालों के लिए किया, और दूसरी कुर्बानी मैं तबाहा अल आखरा अन मुहम्मद व अला आल मुहम्मद, अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से आपने किया। अच्छा, ये तो पहली कुर्बानी है उम्मत के लिए। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी को कुर्बानी में कहते हैं हाजा मिन खसाइस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। जिस तरह हम लोग चार से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, औरतों की तादाद चार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए शादी के लिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चार से ज्यादा क्या आप 50 भी कर सकते हैं अपनी इज्जत ग्यारह। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसाइस में से एक अपने उम्मतियों की तरफ से करना, मुवहिदी उम्मतियों की तरफ से करना, और दूसरी कुर्बानी अपने और अपने घर वालों की तरफ से। तो एक तो आपकी तख्सीस जिसमें हम शरीक नहीं हो सकते, यह आपकी खुसूसियत, जैसे आप चार से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, आपने चार से ज्यादा शादी की वो आपकी खुसूसियत, ऐसे ही आप एक मेधा लाए कक्ष लाए अपनी उम्मतियों के लिए वो आपकी खुसूसियत, और दूसरा अपने और अपने घर वालों की तरफ से, इसका मतलब एक ही लाना चाहिए, एक ही लाना चाहिए कुर्बानी करने के लिए, एक ही लाना चाहिए। अब आप कहेंगे एक से ज्यादा, तो मैं सिर्फ एक हदीस पढ़ूंगा, एक से ज्यादा ले आए तो कोई फर्क पड़ता है, ये समझ तो दूसरे लोगों का, ये कर लिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, और हम क्या पढ़ते रहे, आइए वो भी पढ़ लेते। अल मुखारिजी सने तो तारिकन कान कान अब्दुल्लाह इन अहसन अल हदीस किताबुल्लाह व अहसन अल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी बुखारी की किताब लगा हजरत इमाम बुखारी सही से पाक से किताब लगा कर लगा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात और सबसे बेहतरीन तरीका जहां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और सबसे बेहतरीन तरीका जब नबी का है और नबी ने इससे ज्यादा नहीं किया है तो हमको एक से ज्यादा नहीं करना चाहिए। कहे तो कि सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढना है, और ये कहे क्या है, ये कहना भी ईमान की खराबी दे दी, जितना किया उतना कम हो सकता है, इसी नाफी है इसी में ले लिए ला रहे दो दो दस दस ला रहे साबित नहीं, कुछ तो साबित और नहीं जी। और दूसरी कुर्बानी जो आपने की कैसे की, अन मोहम्मद वाला आल मोहम्मद, तो हम कुर्बानी किस तरह करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्म तक़ब्बल हाज़ा अन्नी वाला आल मोहम्मद, नहीं आती अभी तुम्हें बोल रहे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्म तक़ब्बल हाज़ा, ये तीन पंडितों का नहीं है, प्रेमों का नहीं है, बोले भी साहब को बोलो क्या कहेंगे, हिंदी में चल बोलिए, ये सब दुआएं वाए कहीं साबित नहीं है, सब कहीं भी बैठे साहब कहीं भी बैठे कुछ साबित वगैरह नहीं है, हिंदी में जा तो आए अल्लाह उर्दू में बोलते इसको जाना हो करो क्या अल्लाह ये मेरी तरफ से बैठा हो खास किसी मौलवी को बुलाने की जरूरत, मुल्ला साहब आए मौलवी साहब आए पढ़ रहे ना रहे अली टोपी घुमा रहे हैं उधर, ये कुछ नहीं है हदीस वान उम्मी सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अली नबी
sallallahu alaihi wasallam qaal man ra'a hilala zilhijj hilala zilhijj man ra'a hilala zilhijj fa arada an yudhiya fala ya'khudh min sha'rihi wala min adfarihi shay'a rawahu sayyid al-bukhari hadrat imam nasai rahimahullah is hadith se pakka se kitab bahar kar raha hai rabi aap ki tehri nahi hadrat ibn salman hadrat ibn salman farmati hain ki nabi akram sallallahu alaihi wasallam ne ishaara farmaya jo aadmi zilhijj ka chaand dekh le to ab yahan se तकनीक पहना शुरू करेगा तकनीक पहना शुरू करेगा एक काम तो ये करेगा दूसरा काम ये करेगा कि ना नाखून काटेगा ना बाल कहीं ना काटेगा अभी हम करके एक मसला हल कर ले घर में कौन नहीं काटेगा सारे खाना एक आदमी नहीं काटेगा जी घर में और सब काट सकते जी सिर्फ जो आदमी मैं नहीं कह रहा बल्कि सारी से रोशन कर मन का और इसकी तफसील आगे पकड़ मुफ्ती शेख इब्न हुसैन रहमहुल्लाह उनकी किताब है मजमुआ फतावा व मसाइल उसकी 25वीं जिल्द खोली लंबी किताब है उनकी 25 जिल्दें हैं और ज्यादा तो 25वीं जिल्द के अंदर अरब के मुफ्ती आजम शेख हुसैनी ने कहा कि हर वाला जो साहिब खाना है जो बोल रहा है मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से तो गोया असल वो है पूरे घर वाले उसके ताबे हैं पूरे घर वाले उसके ताबे हैं तो ताबे तो नाखून काट सकता है बाल कटवा सकता है लेकिन जो मतबू है घर का बड़ा घर का मालिक वो ना नाखून काटेगा और ना बाल काटेगा और कब तक नहीं काटेगा जब तक कुर्बानी ना हो जाए नुक्ता यह मिला कि बाल काटने का और नाखून काटने का ताल्लुक नमाज से नहीं है कुर्बानी से लोग नमाज पढ़ के आते हैं हजाम क्या चले जाते हत्ता युदहिया कुर्बानी से उसका ताल्लुक है अगर तीसरे दिन कुर्बान हो रहे तो तीन दिन तक आपको रुकना है जब तक कुर्बानी हो ना जाए तब तक आप बाल नहीं काटेंगे जी बोला बाल काटने का और नाखून काटने का ताल्लुक नमाज से नहीं है कुर्बानी से है मालूम और कौन नहीं करेगा सारे खाना तेरे पास दो तीसरे तकबीर पुकारते हैं काट नहीं पुकारते हैं नमाज के बाद ना है नमाज के बाद कोई आदमी जोर से बोल दे एक दफा बोल दे बाजार में जहां भी जाए कुछ लोगों को देखे कि होटल के ऊपर बैठे हुए बोल दे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा करते अब्दुल्लाह इब्न उमर का तय करता कि मारा को ऐसा करता ये हर नमाज के बाद तीन मरतबा पुकारना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ये बिदात है और दूसरे ये कि वहां ईदगाह के अंदर एक आदमी जोर जोर से बोल मारता है जोर जोर से चिल्लाता है अल्लाह अकबर अल्लाह और दूसरे लोग सुर में सुर मिलाते हैं ये बिदात है सब लोग अपना अपना बोलते हैं सब लोग अपना अपना बोलते हैं एक आदमी बोला अब कोई ये पूछे कि भाई नमाज के बाद दुआ होती है हाथ उठा करके इमाम दुआ करता है दूसरे पे बात नहीं कहते इसका सबूत कोई सबूत नहीं है आपसे जो सबूत मांगा गया है कि आदमी जो जोर जोर से तकबीर कह रहा दूसरे को सुन में सुन मिला इसी तरीके है नहीं दे सकते लिहाजा जो दलील ना हो उसको पर बात करूं नमाज दोबारा हो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आप क्या कहे क्या बोल रहा है एक मतलब जोर से अल्लाह हो कौन ज्यादा हो अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं वो अल्लाह हु अकबर हर नमाज पर बोलते हैं एक मतलब जोर से कहें या धीरे से कहें अल्लाह हु अकबर दूसरा अस्तगफुरुल्लाह 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 उसके बाद सुबह शुरू हो जाए क्या क्या करते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अल्लाह जो तकबीर पढ़ते हैं जो बोलियों का काम नहीं बोलियों करते हैं मालूम नहीं क्या करते हैं तो नमाज के दौरान के इस्तेमाल के बाद खुतबे के दौरान तकबीर नहीं है और दरमियान में रुक रुक करके खुतबे के दरमियान तकबीर पढ़ाई भी सही नहीं है ये तकबीर का सिलसिला कब तक जारी रहेगा
کتاب کا چاند دیکھ لے وہ یہ چیزیں نہ کرے، خاص طور سے اپنی بلا یا خود اشارے کے بال نہ کاٹے، بلا میرا فائل شوٹ کا مطلب ہوگا آپ نے ناخن نہ کاٹے، کچھ بھی تو کون نہیں کاٹے گا گھر کا والا جو کی کرتا ہے، میری طرف سے سب ہوتا ہے، میری طرف سے اور میرے گھر والوں کو میرے ہر بھائی کو تابع ہے اور یہ مت وہ مطلب نہیں کرے گا، اور یہ بکواس کس کا ہے؟ ایک مسلم اور بھی ہے قربانی کے لیے جانور لایا جاتا ہے تو اس میں عقیدے کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ نہیں صحیح دلیل دلیل یہ صحیح سے بات وان سلمان نے آج اس جبتی رضی اللہ تعالیٰ رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بھلان عقیمت ہو فاریتو انہ دمن وعنیتو انہ الادا رب اللہ عبدہ وزید کا بہا ہے حضرت امام علی باہو اس حدیث پاک ویسے کتاب بہایا کرنے لگا یہ بات صحیح حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ رکھا فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ہر بچے کے لیے عقیقہ ہے مال غلام عقیقت ہو ہر بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے تو فَأَحْرِقُ عَنْهُ دَمًا تو ہر بچے کی طرف سے ایک خون بہایا جائے اس کا مطلب قربانی کا تعلق گوشت سے ہے عقیقے کا تعلق خون سے تو سمجھ آیا جیسے قربانی کا تعلق اس سے بال کاٹنے کا تعلق قربانی سے نماز سے نہیں ایسے ہی عقیقے کا تعلق خون سے ہے اگر لڑکا ہے تو دو خون لڑکی ہے تو ایک خون اب اگر بڑا لڑکا کر کے ایک حصہ اس میں عقیقے کا لے لیتا ہے تو گوشت کے بدلے ہوا نبی فرمائے کہ عقیقے میں خون بہانا چاہیے جس کا عقیقہ آپ کر رہے ہیں فاریقو انہو دمن اور آپ گوشت بہا رہے ہیں نبی کہے خون بہا رہے ہیں گوشت بہا رہے ہیں یہ گوشت بہا رہے ہیں اب یہ فاریقو انہو اللہم ہوتا لہم اگر ہوتا تو ٹھیک تھا لیکن یہاں تو معاملہ خون کا ہے یعنی جان کے بدلے جانے عقیدے میں جان کے بدلے جانے یہ اصول ہے خون بہایا جائے اس کی طرف سے گوشت نہ بہایا جائے تو نبی نبی جہاں کہیں کہو وہاں کہنا چاہیے اور نبی جب کہے کہ کرو تو کرنا چاہیے کیا معاملے ہیں ابھی سے مسلم شریف کی بات ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو شروع کا جو ہے وہ مسلم سے آیا تو فقول مسلم آیا تو ایا سر ایا مسا کہہ رہا ہوں وہ بلا اللہ تعالی اللہ تعالی اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ نبی کا کہا جو کہہ رہا ہے مزون کہو قال یقول اسے کہہ رہا برابر اب اگر کوئی آدمی جیسے مزون کا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم کیا کہیں گے نبی کے کہنے کے مطابق نبی کے حدیث کے مطابق ہم یہ بولیں گے اشہد ان محمد اب کوئی ایسے کہ نبی کو چننے جائیں گے فیل ہے نبی نے کہا کرو یہ نبی نے کہا کہو یہ کیا کہا ہے جیسے وہاں کہا گیا اب کوئی کہے کہ یہ بدعت ہو کیسے بدعت بدعت یہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہنے کے لیے میں کہہ رہا ہے فقولو مسلم ہے جیسا موزن کہہ رہا ہے اور اگر مجھے چننا تو آپ کو کیوں چن رہا ہے موزن کے منہ کو چننا تو یہ نہیں کرنا چاہتا ایک دن میں نکلے بات جگہ اس لیے کہ جس زبان سے محمد کا نام نکل رہا ہے اگر جس زبان سے محمد کا نام نکلے جس جن گھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام نکلے تو وہ چننا چاہیے جہاں سے نکل رہا نکل کہیں سے رہا چون کہیں سے رہا باہر بھوٹا بھوٹے سب تو بہتے نہیں کہاں کی نیت کہاں کا مروڑا اور کس نے کہا کہ گنبد روڑا نام بھی لینے بچے کس نے کہا کہ گنبد روڑا یہ نام نکل رہا ہے زبان محسن سے اور چوم رہا اپنے آپ کو تیرا آپ کو تک کیا جہاں سے نکلا وہاں چوم دو دن میں اٹھا تو اگر نبی نے کہا ہے کہو تو کہو ہاں میں پہلے بار کہا کرو تو کہا سکتا یہ اللہ پہلے بھی نہیں کرو اس لیے کہ وَأَحْسَنَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین جو کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو رہے ہیں تو عقیقہ اور قربانی کا فرق معلوم ہے کتاب بھی شریف ہو سکتے ہیں قربانی کتنے دنوں کی قربانی ہے چلا رہے کوئی کہہ رہا تیرا حدیث ہے میرا تیرا کیا ایک حدیث بھی لے سکتے ہیں ایک حدیث بھی لے سکتے ہیں ہم لوگوں نے حدیث نہیں پڑھی تیرا دکھائے گا
करके ले लिया जाए पूरी किया, इसलिए कि हम नदी का कलमा पढ़ने वाले हैं और हम ये जब तक श्योरिटी नहीं मिल जाती हमको और ये श्योर नहीं हो जाता कि ये पाकर है अक्स से सवाल रसूल से और फेल रसूल से साबित नहीं है तब तक हम उसको कतार लेने के लिए तैयार नहीं। ये स्ट्रिक्ट मामला हो कोई भी अल्लाह कलमा नहीं चला देती चलता है क्या चलता है कोई भी अल्लाह कलमा नहीं चला बहुत ही स्ट्रिक्ट मामला है बहुत ही स्ट्रिक्ट मामला है सूर्य अल्हम्दुलिल्लाह जमीन के ऊपर से एक ही जमात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को स्ट्रिक्टली पूरी तहकीक के साथ किए नबी से साबित है क्या नहीं है नहीं नबी से साबित। और मेरा ख्याल है कि खुदबे रसूल पर गुफ्तगू की जाए तो सिर्फ यही बात पेश रखी है मोहब्बत का तरीका यह कि नबी ने कहा है कि किसी दूसरे ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं नबी की बात ना हो किसी दूसरे आदमी की बात हो और हम दूसरे आदमी की बात से नबी की बात कर रहे हैं तो मोहब्बत का कहा रहे हैं कि तलाश कर रहे हैं कि नबी ने कहा है नहीं कहा तो ये तलाश करना ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मोहब्बत के अलावा तहकीक करना तो यह तहकीक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कहता तहकीक ना करो बारे में मोहब्बत नहीं है नबी का तहकीक नहीं इसलिए कि तहकीक इज इक्वल टू मोहब्बत ये एक होता है चार दिन है वो तो पेश नहीं कर सकते हम पेश कर वान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अन्ना अबा बकर दखल अलैहा व इंदह जारियतान फी यमन तुगनियानी व तुदफिफानी व तुगरिबानी व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतहश्श बिसौरी फंतहरम अबू बकरी فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي فقال تعهما يا ابا بكر فانها يومئذ وتلك الايام ايامنا وقال عائشه رضي الله تعالى عنها رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانظر وانا انظر الى الحبشه وهم يلعبون في المسجد فزجرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امرا بني افئده يعني من الامن رواه البخاري في كتاب المناقب كما البخاري رحمه الله एक समय के हदीस को मैंने पूरी को जैसे मेरी आदत है मैंने पूरी हदीस पर कर दिया इसे मां बुखारी ने बताया किताब मनाकिब के बारे में तब मनाकिब के अंदर रिवायत खोलो रावी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला हजरत आयशा फरमाती है कि मैं ईद का दिन नहीं था बल्कि यौमुल अज़हा गुज़र चुका था पहला दिन गुज़र चुका था यौमुल अज़हा यौमुल नहार पहला दिन ये अय्याम मेना के चले थे अय्याम मेना हदीस में ये अय्याम मेना इमाम नवी रहमतुल्लाह जब हम मुस्लिम की किताब मुस्लिम से इशारे बड़े इशारे इमाम नवी उन्होंने कहा अय्यामु मिनन यानी अल अय्याम अस्सलाता यानी अय्याम तशरीक अय्याम मिना कहते हैं जो नहर के अलावा बाकी आते हैं किसी तशरीक में इमाम नवी रहमतुल्लाह सारे सारे अय्याम तशरीक दो नहर को चार आदमी आगे भी है चारों देखो भाई मुंगन अब नहा करके आए तो जब ईद का जोर तो रो रहे हो उतरे ये बोले तू रो रहा कहा कि हम चार दे रहे तीन ही रो रहे तो तीन ही रो रहे पॉपे को नहीं मिला ये जान का वो जो उन नहा को नहीं गिर रहे जो उन नहा को नहीं गिर रहे जो उन नहा आला ले उसके बाद आई जाने का शरीक है इसलिए यौम का इतला यौम माने एक दिन यौम माने दो दिन अय्याम माने दो से ज्यादा अय्याम कम से कम तीन पर बोला जाता है तीन पर तो अय्याम तशरीक जब बोलते तशरीक के तीन दिन तो उनका कुछ अलग हुआ ना ये मैं कयास नहीं कर रहा हूँ दलील नहीं पहली दलील तो यह हदीस है यह हदीस पहले से हदीस का मतलब बता दे हजरत आयशा फरमाती है कि ये मिना के लिए फी अय्याम मिना यानी दो बार गुजर चुका था और तीन दिनों में से कोई दिन था यानी आज का दिन फर्क कर लीजिए आज का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ अपने चेहरे के ऊपर चेहरे मुबारक के ऊपर कपड़ा डाले हुए सोए सलेटे हुए थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवश्शी भी सोए अपने कपड़े को अपने चेहरे के ऊपर ढाके हुए सोए इतने में हजरत ने ऊपर आए देखा कि हजरत आयशा के पास दो लड़कियां बैठी हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां चेहरे के ऊपर कपड़ा डाले इस तरह फरमाए सोए जाग रहे सोए हुए लेटे हुए हजरत आयशा यहां बैठी हुई हजरत आयशा के पास दो लड़कियां बैठी वहीं तो
फंदा ये नहर का मतलब इन नहर का मतलब बिछड़ा था बहुत सारी बातें छूट गई लेकिन अहम अहम बातें